अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ अपना फेस मास्क बनाने, जो राइस फ्लावर से बनेगा। सिंपल इज सैड, उसमें कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले जो है, मैंने यहाँ पर पानी बॉयल कर लिया है। पानी बॉयल करने के बाद थोड़ा सा ही लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही जो है वो बनाना है। और अभी मैं कपड़े वॉश करके जो है फारिग हुई थी, और मैंने सोचा मैं ज़रा बाथ लेने से पहले जो है राइस फ्लावर का फेस मास्क जो है वो अप्लाई कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, अब वो बॉयल पे आ चुका है। इसमें मैं राइस फ्लावर ऐड करूँगी। और राइस फ्लावर निकालने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ। राइस फ्लावर को मैंने ऐड कर दिया, और जैसे ही आप इसे बॉयल वाटर में डालेंगे, मैंने 1 टेबल स्पून डाला है राइस फ्लावर, और उसके बाद जो है ये फौरन थिक फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे ही थिक फॉर्म में आएगा, तो इसके बाद मैं इसमें इसको ठंडा करूँगी, और ठंडा करने के बाद इसमें मैं एक लेमन स्क्वीज करूँगी, और थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमें ये बाद में और ज़्यादा जो है वो थिक फॉर्म में आएगा। आज हमने जो है कपड़े वॉश किए थे, और कपड़े वॉश करने के बाद मैंने पूरे घर की सफाई की। और फिर इसके बाद जो है मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं फेस मास्क अपना रेडी कर लूँ। और ये देखें, अभी जो है जैसे ही थोड़ा और ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमें ज़्यादा पतला नहीं करना, और एक लेमन जो है वो ऐड कर देंगे। और फिर जो है मेरा अच्छा सा जो है फेस मास्क तैयार हो जाएगा, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो फेस मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिंपल इज दैट कि मैं ज़्यादा पोलर टाइप की बंदी नहीं हूँ, ना इतने फालतू पैसे होते हैं। तो घर की जो होम रेमेडीज़ होती हैं, उससे ही मैं ज़्यादातर कोशिशें करती हूँ कि जो है काम हो जाए। आजकल शदीद गर्मियों की वजह से जॉर्डन जैसन से बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मेरे प्यारे से बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर, मैं आपसे भी बोलूँगी, अगर आपने पेट्स पाले हुए हैं तो प्लीज़ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो हमारे बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें बाहर की आदत बिल्कुल नहीं होती। तो इन प्यारे से बच्चों को जो है, एक तो उनकी सफ़ाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और फिर रोज़ाना इनको ज़्यादा नहीं मगर हल्का सा जो है बात दे दिया करें। जैसे मेरे रोज़ाना, आजकल बहुत शदीद गर्मी है, तो हम बच्चों को जो है रोज़ाना थोड़ा सा बात दे देते हैं। और जोड़ी जा चुके हैं बाहर, क्योंकि जैसन उनको आवाज़ें दे रहे थे। तो इससे पहले जो है जोड़ी को मैंने ये रुमाल जो है वो गीला करके पहनाया हुआ था, क्योंकि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि मेरा फेस मास्क जो है राइस फ्लावर का, वो उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया था, और मैंने सोचा है कि जब तक वो थोड़ा चिल हो रहा है मैं थोड़ा वेट कर लूँ, क्योंकि जब वो चिल हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो उसके बाद मैं उसमें एक लेमन ऐड करूँगी, और फिर उसको जब ठंडा हो जाएगा उसमें फ्रिज में रख देंगे हम, और जब अच्छी तरीके से वो चिल हो जाएगा तो हम उसे फेस पर अप्लाई कर देंगे। तो आपसे भी यही बोलूँगी कि ज़्यादातर केमिकल्स यूज़ करने से बेहतर है, तो आप होम रेमेडीज से करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। ओके गाइस, जब तक मेरा मास्क जो है रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं फेस अप्लाई करने के बाद जो है उसे क्लियर कर दूंगी। सिंपल सा है, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और जब तक मैं अपना बाकी का काम कर लूँ, अगले व्लॉग के लिए जो है इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और मेरे व्लॉग को आप अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको और भी इंटरेस्टिंग जो है वीडियोस मैं दूंगी, और फैशन को लेकर भी, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं आपको आइडियाज़ देती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें।
वैसी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, तो हम कम से कम जो है नेगेटिव चीज़ों में जाएं तो बेहतर है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।